शानदार वापसी कर तीसरे दौर में पहुंचे नड। न्यूयॉर्क राइटर स्पेन के राफेल नडाल पहला सेट गंवाने और नाक में चोट लगने के बावजूद यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम के अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहे। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ने फैबियो फोग्नेनी पर 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 से जीत दर्ज की। अब उनका सामना रिचर्डे गासक्वेट से होगा। पहले दौर की तरह दूसरे दौर में भी नडाल शुरुआती सेट नहीं जीत सके। फोग्नेनी ने इस मैच में 4-2 की बढ़त ली और नडाल ने हासिल करने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए और पहला सेट गंवा बैठे। दूसरा सेट नडाल ने अपने नाम किया। तीसरे सेट में वह पूरी तरह लय में दिखे और फोग्नेनी की सर्विस तोड़कर 4-2 की बढ़त बनाई। उन्होंने एक बार फिर फोग्नेनी की सर्विस तोड़ी और इस सेट को अपने नाम करने में सफल रहे। चौथे सेट में 3-0 की बढ़त हासिल करने बाद नडाल को खुद के रैकेट से चोट लग गई। उन्होंने मेडिकल टाइम आउट लिया। इसके बाद आक्रामक रवैये के साथ वापसी करते हुए जीत हासिल की। अल्कराज भी जीते। तीसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज ने अर्जेंटीना के फेडेरिको कोरिया को 6-2, 6-1, 7-5 से हराया। उनके अलावा पुरुष वर्ग में कैमरून अनोरी आंद्रे रुबलेव पुरुषों पहले दौर में ही हारी सेरेना और वीनस की जोड़ी सेरेना और वीनस विलियम्स 4.5 साल बाद जब कोर्ट पर एक साथ उतरी तो उन्होंने हर पल का भरपूर लुत्फ उठाया। विलियम्स 52 महिला डबल्स के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें लूसी हेराडेका और लिंडा नोकोवा की चेक गणराज्य की जोड़ी ने 7-6, 5-6, 6-4 से हराया। वीनस और सेरेना जब कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। आथर स्टेडियम में इससे पहले महिला या पुरुष वर्ग में पहले दौर के डबल्स मैच कभी नहीं खेले गए थे, लेकिन एक ही परिवार की इन दो सदस्यों के लिए यूएस ओपन के आयोजकों ने अपने नियम भी बदल दिए और दर्शकों ने भी इस मैच का भरपूर आनंद लिया। वीनस और सेरेना ने मिलकर डबल्स में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। मैच के दौरान वीनस और सेरेना यानी मैच के दौरान अपने ही रैकेट से चोटिल हो गए। नडाल यूपसाई टुडे सोज चोट नडाल ने अपने ही रैकेट से नाक पर लगाई। न्यूयॉर्क राफेल नडाल दूसरे दौर के मैच के दौरान गलती से नाक पर चोट लगा बैठे, जिसके कारण खून बहने लग एक शॉट बचाने के प्रयास में अपने ही गया था। चौथे सेट में गलती से उन्होंने किंगियोस पर लगा जुर्माना रैकेट से नाक पर चोट लगा दी। लगभग 5 मिनट तक खेल रुका रहा। नडाल ने तुरंत ही दोनों हाथों से अपना मुंह ढक दिया और मैच के बाद मजाकिया अंदाज में बात भी की। अस ओपन न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी निक किर्गियोस पर यूएस ओपन के दूसरे दौर किर्गियोस को बुधवार को खेले गए मैच के दौरान खेल भावना के विपरीत के दौरान दर्शक दीर्घा में मौजूद किसी व्यवहार करने के लिए $7,500 के करीब 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है के प्रति अभद्र भाषा का उपयोग करने के लिए चेतावनी भी दी गई। मैं पिछले साल फाइनल में पहुंचने वाली 4 खिलाड़ियों में से अब केवल 6ठी वरीयता प्राप्त अरिना सबालेंका ही टूर्नामेंट में बनी हुई है। उन्होंने दूसरे सेट में 1-5 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके काया कानेपी को 2-6, 7-6, 8-6, 4 से हराया। चौथी वरीयता प्राप्त पाउला बारोसा को क्रोशियाई पेट्रा मार्टिक ने 6-7, 5-6, 6-2 से हराया। जानिक सिनर और मारिन सिलिक ने भी जीत दर्ज की, लेकिन 25वीं वरीयता प्राप्त बोनो कोरिक को हार का सामना करना पड़। इगा स्वियातेक ने 2017 की यूएस ओपन विजेता स्लोएन स्टीफन्स को दूसरे दौर में 6-3, 6-2 से हराकर इस सत्र में अपनी WTA टूर की 5वीं जीत दर्ज की। महिला वर्ग महिलाओं में नंबर 1 पोलैंड की